प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे परिधि को क्या कहा गया है, परिधि के लिए यूज किया गया सी और व्यास के लिए यूज किया गया है डी। तो जो पाई है वो कह रहा है पाई को परिधि और व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि अर्थात पाई बराबर है सी बटा डी। तो यह तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप इस प्रकार करेंगे। अब पहले बच्चे देखो यहां इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि पाई एक परिमेय संख्या नजर आ रही है यहां से देखने में, क्योंकि c बटा d जो बटे वाली संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब हम c और d को किसी भी मेजरिंग स्केल के साथ मापते हैं, लंबाई को मापने का कोई भी यंत्र हम लेते हैं तो उसका एक नजदीकी मान लेते हैं, जैसे 1.5 के बाद भी तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है वो, तो उसका नजदीकी सन्निकट परिमेय मान लेते हैं। लेकिन हम ये पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते वो परिमेय है या अपरिमेय है, हम तो उसका नजदीकी परिमेय मान ले लेते हैं। तो इस वजह से आपको ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये परिमेय संख्या जैसा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी भी मापने के अंतर से मापते हैं तो उसका एक नजदीकी परिमेय मान लेते हैं। अब आप देखिए जब वो लंबाई माप रहे हैं तो या तो c अपरिमेय है या फिर d अपरिमेय है, और हमें पता है कि एक परिमेय संख्या के बटे में अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के बटे में परिमेय संख्या हो तो जो हमारा परिणाम होता है वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहां पे हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि कोई अंतर विरोध नहीं है, नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या से भाग या इसका उल्टा, या एक अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या के साथ भाग, परिमेय संख्या यानी कि जीरो से जीरो को छोड़कर, क्योंकि परिमेय जीरो भी तो हो सकती है, इसको छोड़कर परिमेय संख्या से भाग अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब यहां पर c या d एक अपरिमेय संख्या है, या तो c या d एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई c बटा d जिसको हम क्या लिख रहे हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कोई अंतर्विरोध नहीं है, तो यह तो अपरिमेय संख्या ही है। बस आपको देखने से ऐसा लग सकता है कि यह परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो परिमेय संख्या की परिभाषा है
परिमेय संख्या की आपके दिमाग में जो इमेज है वो कुछ ऐसी है पी बटे क्यू, क्यू जीरो नहीं है और पी और क्यू पूर्णांक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, वहां तो पी और क्यू पूर्णांक है, यहां सी या डी में से कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या है, और जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की भाग करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो अपरिमेय संख्या आता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।